नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैया। सीधे आपको उत्तराखंड के डीडी हाट लिए चलते हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद करना अल्लाह ये आज ठमता जी ले बोले और हमारे किसान दाल ले बोले। आज पूरे हिंदुस्तान जब बटे नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बने, हर क्षेत्र में तरक्की हो रही, हर क्षेत्र में देशों मान सम्मान स्वाभिमान पूरी दुनिया में बढ़ो मिली। एक तरफ आज चुनाव में एल चुनाव द्वि प्रकार का लोगों का बीच में छ, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी छ और हम सब लोग छ, ये मध्य में जो बस रहे हैं प्रदेश में जो सरकार छ भारतीय जनता पार्टी छ और नरेंद्र मोदी जी छ। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में अगर हम रोडन की बात कर लो तो रोडन का चारों तरफ जाल बीच गए। यह बेटे तो वहां पिथौरागढ़ जानूंगा, पिथौरागढ़ बेटे टनकपुर जला और टनकपुर बेटे अगर अभी के दिल्ली की ना जला खटी मातर पर बेटे या बेटे मैं चुनाव में खड़े रहे वह अगिल के जला तो रुद्रपुर बेटे रामपुर बेटे दिल्ली या रुद्रपुर बेटे काशीपुर जला काशीपुर बेटे हरिद्वार या देहरादून। अगर आज बेटे 5-7 साल पल्ली अगर 5-7 साल पल्ली अगर हम वो रोडन की स्थिति के बारे में अगर विचार कर लो थोड़ा अगर हम सोच लो तो हमें खुदा पत्तो लग जाओ कि जब बेटे मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब बेटे कतो सुधार होगी। चारों तरफ हाईवे बन गया, अब पिथौरागढ़ बेटे टनकपुर जान में पल्ली जो है 8-10 घंटा लगेंगे और आज 3-4 घंटे में टनकपुर बेटे पिथौरागढ़ पहुंच जाऊंगे, 6-7 सालों तो खटीम बेटे मैं हड़दल उनमें तो हड़दल उनमें रक्त नहीं 5 बजे में बेटे गाड़ी चलती और बोले टनकपुर भागी चौरा गाड़ी चलेंगे। हेलो मैं मंत्री तो कुछ है तो कभी 10 घंटा कभी 12 घंटा लगेंगे हम बोलते और आज 3-4 घंटे में हम पूछेंगे। रक्त नहीं बेटे मैं याद से कि जब यहाँ कभी जात होंगे कभी यहाँ हरबल में मेल होंगे कभी वहां छड़ंदे में मेल होंगे अल्लाह पिपली वाल मिले ना भट्टी को चल जो मैं बाबू का मैं उन मिज्जू से हूँ पिपली वाल कहा गया वो पिपली वाल यू आ गया मैं इधर घर ले जा रही हूँ आप पिपल में तो रक्त नहीं उन भैया हम रात में डाल के खटिन बिटे टनकपुर रेलवे स्टेशन में और रोडवेज बस स्टेशन में और रात भर वही के बिछुन खिना लेन भैया अपन बिस्तर स्तर और अब तक 4 बजे उठ गए 5 बजे गाड़ी में बस गए तब हम 12 घंटे में 13 घंटे में यह पूछे और अब मोदी जी के जमान में 4 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे में यह पूछ गया बताओ परिवर्तन बिछे ने वे बदलाव बिछे ने वे। अब हवाई सेवा के नाम बहुत सारी चीज हमें व्यवस्था कर रही है पिथौरागढ़ जो नैनी से नहीं हवाई पट्टी सर ये हवाई पट्टी पूरा डीपीआर बन गया है पूरा तैयारी हो गया एस्टीमेट बन गई और जल्दी ये हवाई पट्टी हमारे काम करने लगे और तब सब लोगों पिथौरागढ़ बेटे देहरादून जला या दिल्ली जला या देश में काले जला उन वाले समय में हमारी कोशिश है कि पूरा देश भर में जाने की व्यवस्था हमारे यहाँ पिथौरागढ़ बेटे हो जाए। रेल बिना हमारी अजय टंडा जी बस लाइन रेला क्षेत्र में टनकपुर बुटे बागेश्वर रेल लाइन बन रहे और कतुक साल हो गया 30-40 साल बुटे लगातार लोग जो है उपिन संघर्ष करो मच्छा एक बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन संघर्ष समिति ले बन रहा है कई लोग तो वो हैं आज हमारे बीच में रह लेना गया उन जीवन समाप्त होगी लेकिन कै सरकार लोग पर ध्यान न दी वो रेल लाइन खिला ले आज पूरी अगर तैयारी कह ले कर रही वो कि पैसा अगर जारी करे लेन
तो बोले हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 करोड़ रुपए जारी कर देना ब्रॉड गेज में वो सर्वे काम शुरू हो गई। उन वाले समय में ये रोड जो जम रहा है मेरे यहाँ बटे धारतुल तक जा लिया और धारतुल बटे फिर कैलाश मानसरोवर तक गया। ये रोड किनारे जो है हमारे जो सड़क परिवहन मंत्री जी गडकरी जी उन्होंने ये रोड के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी। डिपू लेक तक जाने रोड डिपू लेक तक रोड पूछ गए ए तरफ बटे ओ तरफ कुमाऊं बटे गढ़वाल गढ़वाल बटे कुमाऊं मैदान बटे पहाड़ चारों तरफ रोडों को जोड़ने काम चाहे वो ऑल वेदर रोड हो चाहे वो भारतमाला श्रृंखला रोड हो। और अब एक अलग नया बजट में जैसे भारतमाला में रोड जोड़ना उससे अब एक पर्वतमाला ने निकाला ली जतुले हमारे ठूल ठूल मंदिर सन ठूल ठूल जगह झनक जाग रोड न बन सकनी वहां सब रोप वे बना और पर्वतमाला जो प्रोजेक्ट है वो पर्वतमाला प्रोजेक्ट के थ्रू वो जोड़ना काम हो गया। जैसे हमारे यहाँ ध्वज खंडे नाथ हरि का ध्वज खंडे नाथ झनाकी नाले हम ये पर्वतमाला जो प्रोजेक्ट था माननीय प्रधानमंत्री जी जो नया बजट आयल दी रहा वो बजट में इस प्रकार जो जतुगले स्थान छ उन स्थान जोड़ने की व्यवस्था हो गई। ध्वज खंडे नाथ में धर्मशाला चुनाव के लिए विसंधा पैस दी रखे राजा विनोद कांजे वो अभी दिया था हमने वो बारमा वाला ने मैच था कैच की वहां से ना धर्मशाला बने से वहां टेंडर लागी हुई। तो हर जगह जगह की आंख में बहुत चीज चाहे मड़मालने से बटकेश्वर से या मरमाले बटकेश्वर पंपिंग पर योजना एक लिए टेंडर होगी गरखा पेयजल योजना के लिए टेंडर होगी चंडिका घाट से बुंगा छिन्ना पेयजल योजना एक लिए टेंडर होगी मरमाले में मिनी स्टेडियम रसापाटा में मिनी स्टेडियम नारायण नगर में मिनी स्टेडियम एक सपन का पैसा आ गया सपन का पैसा आ गया सपन का टेंडर लग गई और चुनाव बाद इन सब जो है सब काम पूरे हो गया। और हमने बहुत सारा काम किया पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज बनू बने आए मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में बनू बड़ी ए तरफ बोले मेडिकल कॉलेज ओ तरफ बोले मेडिकल कॉलेज यहाँ बेटे हवाई सेवा ले और पूरे कुमाऊं क्षेत्रों आप दिल्ली तो जान पड़ कैसे इलाज करूं कि ना अगर एम्स सुविधा चाहिए तो उन वाले समय में ये सुविधा हम जो है यही रुद्रपुर में मिले वाले यहाँ बेटे तुम टनकपुर जला टनकपुर बेटे एक घंटे में रुद्रपुर पूछ जला तो बढ़िया सड़क हो गए और वहाँ एम्स जो दिल्ली में सुविधा जान में कई बार हम वहाँ बेड मिलो न मिलो वहाँ बुकिंग होली न होली वहाँ हमारे इलाज हो पालो न हो पालो यो हमारे मन में तमाम सिफारिश लगना बात ले वहाँ लाइन में लगना बात ले यू व्यवस्था हमारे मन न हो पाते। लेकिन आप उन वाले समय में यू व्यवस्था हमारे यही उधम सिंह नगर में किच्छा में होने वाली थे सारी सुविधा यही मिलने वाली थे। एक अलावा क्योंकि मेरे मन में बोलने की ना बहुत इच्छा मैं यहाँ एक एक गांव घूम रही हूँ एक एक जगह जा रही हूँ नंसना बेटे मैं पैदल यही हो रही हूँ आज मैं लिया ऊना उन सपन का पल्ली यहाँ माट अपन महात्मा लगाया मैं माता पिठा लगाया वो मैं एक लिए लगाया कि यू माट जब मैं पैद हो रही हूँ मैं मातृभूमि से मातृभूमि जन्मभूमि और ये पार्टी भी मेरी मारी थी। तो डीडी हाट में आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे वो कुमाऊनी भाषा में क्षेत्रीय लोगों को स्थानीय लोगों को अपनी तरफ बीजेपी की तरफ लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से और संजय पुंडीर हरिद्वार से जुड़ रहे हैं। रोहित स्थानीय भाषा का सहारा ले रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्थानीय मुद्दों को उठा रहे हैं उन्हें पता है कि बाकी मामलों पर राष्ट्रवाद सीमा की सुरक्षा सेना को लेकर के बीजेपी का एक कोर वोटर है वो उसके साथ रहेगा लेकिन स्थानीय मुद्दों को भी पुरुषोत्तम धामी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल कुंदन क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं के सीमांत क्षेत्र पे इस समय संबोधन जनसंबोधन कर रहे हैं अपना क्योंकि कुमाऊं का जो सीमांत क्षेत्र है वहां की तमाम ऐसी महिलाएं हैं और ऐसे पुरुष हैं गांव वाले हैं जो खड़ी वाली बोली नहीं बोल पाते हिंदी नहीं बोल पाते लिहाजा
इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊनी भाषा में अपना संबोधन दिया। एक तरह से जनता से कनेक्ट करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है कि क्षेत्रीय भाषा में जनता से कनेक्ट किया जाए, ताकि जनता को भी लगे कि ये हमारा सीएम है, हमारे नेता है, क्योंकि हमारी भाषा में बोल रहे हैं। और स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री ने लगातार मोर्चा संभाला हुआ है, क्योंकि दो दिन जो है भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ, क्योंकि 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तरकाशी और रामनगर का दौरा था, लेकिन खराब मौसम के चलते, क्योंकि इन तमाम जगहों पर उत्तरकाशी और कुमाऊं के अन्य जिलों में भारी बर्फबारी हो रही थी, लिहाजा जो है उनका दौरा कैंसिल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वर्चुअली दिल्ली से जुड़ने वाले थे और जन चौपाल कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड की जो तमाम विधानसभाएं हैं उनमें LED स्क्रीन और डिजिटल स्क्रीन लगाई गई थी, लेकिन बर्फबारी के चलते इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया, क्योंकि बर्फबारी की वजह से जो स्थानीय जनता है वो आने में सक्षम नहीं थी। तो लिहाजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते 2 रोज से डोर टू डोर कैंपेनिंग के जरिए, वर्चुअल रैली के जरिए मोर्चा संभाला हुआ है, और आज इसी क्रम में जो है फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं की जनता को संबोधित किया है और विकास कार्यों को गिनाया है और जनता से सीधे कनेक्ट किया है कि ये काम हुआ है कि नहीं, फलाना काम हुआ है कि नहीं। जनता से लगातार जो है उत्तर भी मांग रहे हैं कि अगर ये काम हुए हैं तो आने वाले 5 सालों के लिए एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता बनाने का काम करे, ताकि लगातार जो है विकास की बयार उत्तराखंड में बहाई जा सके। बिल्कुल, तो पहाड़ी इलाकों में, सीमावर्ती इलाकों में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी एक्टिव हैं, तो आज कांग्रेस के फेस कहे जाते हैं राहुल गांधी, वो भी एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड में वो प्रचार कर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, हरिद्वार भी जाने वाले हैं राहुल गांधी। रुक करते हैं संजय पुंडीर का। संजय, वहां पर कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है, राहुल गांधी यहां पर आने वाले हैं? देखिए कुंदन, अब 2022 के चुनाव की तिथि बहुत नजदीक है, बहुत कम समय बचा है प्रचार प्रचार के लिए, तो उसी को लेकर अब सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेता देवभूमि का रुख कर रहे हैं, यानी उत्तराखंड लगातार आ रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का भी आज उत्तराखंड दौरा है। सबसे पहले किच्छा में पहुंचकर इन्होंने एक सभा को संबोधित किया और लगातार ही आपने देखा है कि वर्चुअल माध्यम से जनता से जुड़े हैं। हालांकि उत्तराखंड में 70 विधानसभाएं हैं, सभी जगह ये जुड़े हैं, और अब कुछ देर बाद यानी करीब 4 बजे ये हरिद्वार पहुंच जाएंगे और सबसे पहले युवा केंद्र यहाँ पहुंचेंगे और एक सभा को संबोधित करेंगे। हालांकि कोरोना काल के चलते यहाँ जो सभा होगी वो 1000 लोगों की ही होगी, बाकी विधानसभाओं से ये वर्चुअल जोड़ेंगे। तो साफ कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी युद्ध स्तर पर विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है। अपने जिस तरह से विधानसभा चुनाव में इस बार अहम मुद्दा रहने वाला है महंगाई और बेरोजगारी, इन्हीं को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं और इनका यही कहना है कि अगर हमारी सरकार आती है तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी को दूर करेंगे और महंगाई को बिल्कुल खत्म करेंगे। हालांकि जिस तरह से इनका नारा है कि जो सिलेंडर है वो 500 के पार नहीं होने देंगे, तो तमाम तरह के वायदे लेकर जनता के बीच पहुंचते हैं। अब देखने वाली बात होगी जनता इनके वायदों में कितनी आती है और जनता इन्हें कितना आशीर्वाद देती है, ये देखने वाली बात होगी। जी संजय बने रहिए हमारे साथ, रोहित विक्रम सिंह भी देहरादून से बने हुए हैं। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी का तूफानी चुनाव प्रचार दरअसल जारी है। खटीमा में भी चुनाव प्रचार के बाद सीएम धामी ने टनकपुर का रुख किया, वहां पर उन्होंने सभा की। सीएम धामी ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई, जनता से फिर बीजेपी को सत्ता में लाने की अपील की है पुष्कर सिंह धामी ने। तो सीएम धामी तूफानी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, लगातार वो अलग अलग विधानसभाओं में जाकर के दौरा कर रहे हैं, विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, लोगों को बीजेपी से जोड़े रखने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके के प्रचंड बहुमत मिला था उत्तराखंड में बीजेपी को, वैसे प्रचंड बहुमत की उम्मीद बीजेपी ने लगा रखी है। उज्ज्वला योजना में गैस के सिलेंडर मुफ्त में देने के काम हुए, गैस की योजना पहुंचाने का काम हुआ है, आवास पहुंचाने का मुफ्त में काम हुआ है, शौचालय घर घर पहुंचाने का काम हुआ है, किसानों को किसान सम्मान निधि योजना देने का काम हुआ है, स्वामित्व योजना में लोगों को पट्टे देने का काम हुआ है, उनको मालिकाना हक देने का काम हुआ है। हमारी सरकार ने बहुत सारे निर्णय लिए हैं भाइयों बहनों, नजूर की भूमि में बैठे हुए लोगों को या बलिन बस्तियों में रहने वाले हो, उन सभी के लिए हम योजना लेकर आए हैं, उनके लिए हम रेंट लेकर आए हैं, उनको परवाने करने की योजना बना दी है। 5 महीने के शासन काल में चाहे आंगनबाड़ी की बहनें हो, आशा बहनें हो, हमारी भोजन माताएं हो, PRT के जवान हो, उपदल के कर्मचारी हो,
हमारे ग्राम प्रधानगण हो, हमारे उप प्रधान हो, बीडीसी मेंबर हो, जिला पंचायत के सदस्य हो, सभी का हमने मानदेय बढ़ाने का काम किया है। उत्तराखंड के आंदोलनकारियों का हमने उनके आश्रितों को पेंशन देने की योजना, उसके साथ साथ उनका पेंशन बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा अवस्था की पेंशन, तीनों पेंशनों को 1200 से बढ़ाकर 1500 किया है। और वृद्धावस्था पेंशन को जो दो को मिलती थी, जो एक को मिलती थी परिवार में, हमने कहा दोनों बुजुर्ग आपस में झगड़ा न करें, आपस में लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था, हमने कहा हम झगड़ा नहीं होने देंगे। और ये पेंशन, वृद्धावस्था की पेंशन अपने परिवार में अगर दो बुजुर्ग है तो दोनों के लिए हमारी सरकार ने निर्णय ले लिया, दोनों को पेंशन मिलेगी। भाइयों बहनों, मैं एक बुजुर्ग के पास गया था, मैं द्वारा विधानसभा में गया तो एक बुजुर्ग मुझसे बोले, मैंने कहा बाबा हमारे को आशीर्वाद दे दीजिए, बोले बेटा आपको आशीर्वाद है, मैंने कहा ये हमारे कैंडिडेट है इनको भी आशीर्वाद दे दीजिए, बोले जब आपको आशीर्वाद है तो इनको भी आशीर्वाद है। इधर उत्तराखंड के किच्छा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार किया है। कांग्रेस प्रत्याशी तिलक राज बेहड़ के लिए वोट की अपील उन्होंने की है। उत्तराखंड के किच्छा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मौजूद रहे, वहां पर चुनावी सभा को संबोधित किया। उत्तराखंड किसान स्वाभिमान संवाद के जरिए किसानों से राहुल गांधी ने बात की। संवाद कार्यक्रम में उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहे। किच्छा के बाद राहुल गांधी हरिद्वार का रुख करेंगे। शाम करीब 4 बजे उनका कार्यक्रम है, गंगा आरती में भी शामिल होंगे और उसके बाद वहां पर एक सभा रखी गई है, वहां पर भी राहुल गांधी जाएंगे। तो राहुल गांधी उत्तराखंड की कमान संभाले हुए हैं। दिसंबर में भी उन्होंने उत्तराखंड का दौरा किया था और अब एक बार फिर जब चुनाव बेहद नजदीक है तो उत्तराखंड दौरे पर राहुल गांधी पहुंचे। अंग्रेजों से लड़ाई बड़े बड़े उद्योगपतियों ने नहीं लड़ी थी, अंग्रेजों से लड़ाई हिंदुस्तान के किसानों ने और मजदूरों ने लड़ी थी। उसके बाद हरी क्रांति, कांग्रेस पार्टी, लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने हरी क्रांति दी, नहीं, कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ पार्टनरशिप बना के देश को हरी क्रांति दी थी। पसीना, खून पसीना हिंदुस्तान के किसान ने दिया था। और मैं आजादी की बात की, हरी क्रांति की बात की, बहुत और ऐसे उदाहरण दे सकता हूं, इसको आप भी जानते, पूरा देश जानता है। आपने देश की सरकार को बताया कि हिंदुस्तान की सच्चाई से हम नहीं हटने वाले हैं, आप हमें ना खरीद सकते हो, ना डरा सकते हो, ना दबा सकते हो, हम नहीं हटेंगे। और मैं आपको बताऊं, इस सरकार को यह समझाना बहुत जरूरी था और है। पुनर्वास प्रारंभ किया आपके मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, तो आप हमारा मॉरल बूस्टअप करने के लिए भगवान शिव की शरण में केदारनाथ आए और वो एक ऐतिहासिक घटना बनी और उससे सारे उत्तराखंड की जो इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी, वो टर्न अराउंड हुई। तो हम आपके इस एहसान को उत्तराखंड कभी नहीं भूल सकता और हम आपको वचन देना चाहते हैं, यदि आप चाहें, सब लोगों की तरफ से मैं वचन देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड तराई से लेकर जसपुर से लेकर मुनस्यारी तक, जसपुर से लेकर भटवारी तक आपको सरकार बना करके देगा, आपको उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बना करके देगा। आप तैयार हैं इस बात के लिए? यदि तैयार हैं तो जरा ताली बजा करके हाँ कहिए। हमें हमारे नेता राहुल जी, मैंने पहले ही कहा कि सत्य सत्य के मार्ग पर चलने वाले नेता हमें मिले हैं। राहुल जी,
हम उत्तराखंड के लोग, हम उत्तराखंड के कांग्रेस जन और हम उत्तराखंड के तमाम हमारे किसान भाई आपके उस जज्बे से, आपकी उस मंशा से अपने को संबद्ध करते हैं। हम आपके साथ हैं, आप इस देश की लड़ाई लड़िए। अतीत में इंदिरा जी ने जिस प्रकार से गरीबों की लड़ाई लड़ी, वंचितों की लड़ाई लड़ी, दलितों की लड़ाई लड़ी, और अब इस वक्त आने वाले समय में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तराखंड एक बहुत बड़ी तकलीफ से गुजर रहा है। हमारा प्रदेश इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते पूरे देश में बेरोजगारी में अव्वल नंबर पर आ गया है। हम चाहते हैं कि आपकी अगुवाई में हम इस बेरोजगारी के खिलाफ एक जंग लड़ें। तो उत्तराखंड में कांग्रेस को लगता है कि यहां पर सरकार बन सकती है, इसलिए राहुल गांधी एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। रोहित विक्रम सिंह हमारे सहयोगी देहरादून से जुड़े हुए हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। रोहित, कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि चूंकि जब से उत्तराखंड अलग राज्य बना है तब से 5 साल के बाद सरकारें बदल जाती है, क्या कांग्रेस को लग रहा है, राहुल गांधी को लग रहा है कि थोड़ा सा जोर आप लगा दीजिए, थोड़ी सा आप मेहनत कर दीजिए तो यहां पर सरकार कांग्रेस की बन सकती है? बिल्कुल कुंदन, 21 सालों की बात करें, राजगठन को 21 साल हो चुके हैं और एंटी इनकम बैलेंसी इस कदर हावी रहती है कि कोई भी दल अपना शासन काल रिपीट नहीं कर पाता उत्तराखंड में, और बीजेपी इस बार तोड़ने के प्रयास में है और एक बार प्रचंड बहुमत की सरकार चाहती है और 60+ का नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही है। और इसके इतर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी 30 स्टार प्रचारकों की सूची तैयार हो चुकी है। 15 नेता ऐसे हैं जो केंद्रीय स्तर के हैं और 15 नेता हैं जो राज्य के बड़े नेता हैं जो राज्य स्तर के हैं। इसमें पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश बोदियाल, देवेंद्र यादव प्रदेश प्रभारी और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जैसे कई और दिग्गज नेता हैं। कांग्रेस को इस बार ऐसा लग रहा है, अब चूंकि कांग्रेस उत्साह से लबरेज पहली बार इस वजह से है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, कांग्रेस को लग रहा है कि शायद इस बार भी सरकार से लोग नाराज होंगे, कांग्रेस को आशीर्वाद देंगे। लेकिन राह इतनी आसान नहीं है कुंदन, क्योंकि अभी तक 21 सालों की अगर बात करें तो दो ही दलों के बीच में नेक टू नेक मुकाबला होता था, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और तमाम ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं जो कांग्रेस और बीजेपी से टिकट न मिलने के चलते अब निर्दलीय नामांकन कर चुके हैं और पार्टी के तमाम मान मनोवल करने के बावजूद भी वो मान नहीं रहे हैं और उन्होंने अपना नाम भी वापस नहीं लिया है। बीजेपी से 6 ऐसे दिग्गज नेता हैं और जो कद्दावर नेता है जिनको पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दिया, किसी को अनुशासनहीनता के चलते, किसी को अन्य कारणों के, इन सभी ने निर्दलीय नामांकन किया है। बाकी लोगों को तो भारतीय जनता पार्टी ने मना लिया था, लेकिन 6 लोग ऐसे हैं जो कद्दावर हैं, अलग अलग विधानसभा से उन्होंने नामांकन कर रखा है। राजकुमार टुकराल की बात करें, भारतीय जनता पार्टी कद्दावर नेता है, रुद्रपुर से निर्दलीय नामांकन किया है। ऐसे कांग्रेस में भी तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने निर्दलीय नामांकन किया है। तो इस बार संभावना ये भी जताई जा रही है कि आम आदमी पार्टी के साथ साथ जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं जो कांग्रेस या बीजेपी के हैं वो भी कांग्रेस और बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं। लिहाजा इस बार का जो चुनाव है वो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होगा और बहुत रोचक होगा और नेक टू नेक मुकाबला होगा, क्योंकि निर्दलियों ने भी पूरी तरह से ताल ठोक रखी है। और अगर अन्य दलों की बात करें, छोटे दलों की बात करें, समाजवादी पार्टी ने भी 56 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। सभी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और लगातार जो है चुनावी घमासान जारी है। वोटों की अगर बात करें तो जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जो पार्टी के परंपरागत सिपाही रहे हैं लेकिन जो जिन्होंने निर्दलीय नामांकन कर दिया है, चाहे वो कांग्रेस में रहे हों चाहे बीजेपी में, अगर वो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के पक्ष के अगेंस्ट अगर खड़े होते हैं तो 10 से 12 हजार वोट काट सकते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर बीजेपी खेमे का कोई निर्दलीय प्रत्याशी अगर चुनाव लड़ता है तो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसे में कांग्रेस को फायदा हो सकता है और यही कंडीशन कांग्रेस में भी लागू होती है। तो इस बार मुकाबला कांटे का है, देखना होगा कितनी सफलता हाथ लगती है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ रहे हैं, उनको जनता कितना आशीर्वाद देती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी हरिद्वार से जुड़े हुए हैं, हरिद्वार का भी रुख करने वाले हैं राहुल गांधी, करीब 4 बजे उनका कार्यक्रम है। संजय, ये बताइए कि जहां हम देख पा रहे हैं बीजेपी के स्टार प्रचारक और मुख्यमंत्री धामी साहब को सुन रहे हैं, डीडी हाट में उन्होंने न सिर्फ लोकल लैंग्वेज में, कुमाऊनी में लोगों से संवाद करने की कोशिश की बल्कि लोकल मुद्दों और सरकार की उपलब्धियां वहां पर गिनाई गई, किस क्षेत्र के लिए, सीमावर्ती इलाके के लिए क्या किया गया, पहाड़ी इलाके के लिए किया गया। लेकिन चूंकि तराई क्षेत्र में राहुल गांधी मौजूद हैं तो हमने कम से कम किच्छा में उन्हें कहते देखा, सुना हमने कि वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे उठा रहे थे, लेकिन क्या लोकल स्तर के जो तराई के जो मसले हैं उस पर भी उनका फोकस रहेगा, या फिर चूंकि वो राष्ट्रीय स्तर के नेता है कांग्रेस के तो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति और राष्ट्रीय स्तर की बातें करेंगे? देखिए कुंदन, सभी राजनीतिक दल इन दिनों नए नए वायदे कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि इस बार की सत्ता उनके हाथों में है
हालांकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी रण है वो पूरी तरह तैयार है, तो वही जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता है वो भी कहीं ना कहीं देवभूमि का रुख कर रहे हैं। और हालांकि आपने देखा है कि जिस तरह से सुबह से ही जो पूर्व अध्यक्ष है कांग्रेस के राहुल गांधी, वो किच्छा से संवाद किया है और वो कहीं ना कहीं जनता से जुड़े हैं। और हालांकि जिस तरह से कुछ देर में यानी 4 बजे राहुल गांधी हरिद्वार पहुंचेंगे और यहाँ के नेहरू युवा केंद्र से संवाद करेंगे। कोरोना काल के चलते करीब 1000 लोग यहाँ। बिल्कुल, राहुल गांधी यहाँ क्या कहते हैं, लोगों से संवाद करते हैं और क्या कहते हैं, इस पर नजर बनाए रखिएगा। संजय बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। रोहित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कुल 632 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रदेश में बनाए गए 11,600 बूथ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव में कुल 632 उम्मीदवार मैदान में हैं और 11,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 11,600 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 632 में से 105 उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि के भी बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने यह जानकारी दी है। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी के बीच राज्य में होने जा रहे विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। राज्य की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कुल 632 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और प्रदेश में 11,600 पोलिंग स्टेशन बनाए गए, पोलिंग बूथ बनाए गए, माफ कीजिएगा। हमारा पूरा चुनाव का तैयारियां है। हमारा 11,000 से ज़्यादा जो बूथ है उसमें 7,000 से ज़्यादा जो बूथ है वो बाय फुट है, मतलब मोटरेबल रोड से उसके बाद बाय फुट जानी है। तो इस बार हम सभी उन बूथ जहां पे 3 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल जाना है वहां पे जो हमारा कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और जो वीवीपैट है उसको ले जाने के लिए हम बैग्स भी उनको दे रहे हैं ताकि उसको बैग में डाल पाए, वो बैग पे डाल पाए और उनका हैंड्स फ्री रहे ताकि सुविधा से वो चल सके। और जो ये जो स्नोफॉल सब हो रही है, अभी हमारा जो टीम्स है जो पोस्टल बैलेट को कास्ट करवा रहे हैं 80+ और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ और कोविड प्लस का, तो उनका टीम्स ये मूवमेंट में है, तो कहीं पे भी स्नो फॉल्स है तो हमारा जो JCBs और बाकी चीज़ को लगा के उसको रोड क्लियरेंस कराना ताकि, और ट्रैकिंग रूट्स को भी क्लिक साफ कराना ताकि हमारा टीम्स हर जगह पे पहुंच जाए, इसका कोशिश हम कर रहे हैं।